वक्त की बड़ी खबर, डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले से जुड़ी ये खबर है। राजा भैया की भूमिका की जांच करेगी सीबीआई। 2013 में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई थी। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघु राज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर सीबीआई अब जांच करेगी। जियाउल हक की हत्याकांड में उनकी भूमिका की जांच होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने डीएसपी जियाउल हक की हत्याकांड में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुशील, इस मामले में एक बार फिर मुश्किल में दिख रहे हैं राजा भैया। सीबीआई की जांच रही और इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया जिसमें कहीं ना कहीं सीबीआई दोबारा इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि आने वाले दिनों में राजा भैया की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं क्योंकि आज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने इस पूरे मामले में कहा कि हाईकोर्ट का जो तथ्य था इस पूरे मामले में दोबारा जांच करने का, उस पूरे प्रक्रिया को दोबारा जांच के दायरे में लाना होगा। हालांकि जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई के द्वारा दाखिल की गई थी उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से निचली अदालत ने मना कर दिया था, लेकिन फिलहाल राजा भैया को इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राहत मिली हुई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जियाउल हक की जो पत्नी है परवीन आजाद, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये माना कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो बात कही थी जिसमें ये कहा था कि इस पूरे प्रक्रिया पर दोबारा सीबीआई को विचार करना चाहिए, उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये तथ्य लगता है हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक कि इस पूरी प्रक्रिया में सीबीआई को जांच को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और यही आधार देखते हुए फिलहाल राजा भैया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है। सुशील, क्या कोई वक्त भी मुकर्रर हुआ है, समय सीमा की जांच की शुरुआत कब करे सीबीआई? जी देखिए, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में आदेश आ गया है तो निश्चित रूप से अब इस आदेश के बाद सीबीआई इस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ जाएगी। हालांकि जहां एक ओर राजा भैया अपनी पत्नी के तलाक के मामले में मुकदमा झेल रहे हैं, वहीं अब इस पूरे मामले में लंबे समय से जो कहीं ना कहीं सीबीआई के रडार पर वो नहीं थे, अब ऐसे में सीबीआई इस पूरे मामले में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और अगर जियाउल हक के मामले में उनकी पत्नी के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि राजा भैया की भूमिका इस मामले में है, तो आने वाले दिनों में राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि अब सीबीआई जांच को लेकर आगे बढ़ेगी क्योंकि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा। धन्यवाद सुशील इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। मामला 2013 का है, डीएसपी की हत्या हुई थी। इस मामले में पहले भी राजा भैया के खिलाफ जांच हुई लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और साथ ही साथ ये आदेश दिया कि सीबीआई इस मामले में राजा भैया की भूमिका की जांच करे। खबर गाजियाबाद से, चलती कार में आग लग गई है। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। कुशलिया गांव में नहर के पास पहुंची थी ये कार। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का ये मामला है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं गाजियाबाद, जहां पर दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया। कुशलिया गांव के पास नहर के पास पहुंची थी कार और तभी अचानक ही आग लग गई। चलती कार में आग लगने की घटनाएं बीते दिनों बढ़ती ही जा रही है।